भी रखेंगे जो उनका जो यहाँ पे आएंगे सब क्रेडिट भी सब उनका रिकॉर्ड रखेंगे डेमोस्ट्रेशन करेंगे जल शक्ति जो केंद्र से कहते हैं यहाँ पे सर पानी को बचाने के लिए अलग अलग जो स्कीम्स लाई जा रही है उसके तहत यहाँ पे ऑफिस खोला जा रहा है, क्या कहेंगे कितना बेहतर है? देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जल जीवन मिशन को मिशन मोड पे लिया जा रहा है ताकि पानी को बचाना है और पानी को जायज़ इस्तेमाल करना है और लोगों को जो भी पानी की दिक्कत है उसको एड्रेस करना है। इसके लिए इस ज़िले के अंदर 1240 करोड़ की स्कीमें जो हैं वो प्लान बना है, 240 करोड़ का जो रकम है वो इस साल उसका बजट है वो खर्चना है, काम जो है टेंडरिंग स्टेज पे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने खुद पिछले कल पूरे इंडिया में सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ खुद उनको एड्रेस किया और बातचीत की और इसी तरीके से ऑनरेबल LG साहब ने इस पर फोकस रखा है कि जम्मू कश्मीर में भी जल जीवन मिशन जो है वो मिशन मोड पे लिया जाए और सारी स्कीमें जो हैं टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट की जाएं। इस स्कीम के तहत पानी के लिए अवेयरनेस जनरेट करना बहुत लाजमी है, ये खाली मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत है जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट जल शक्ति केंद्र आज यहाँ इस्टेब्लिश किया गया, पानी के रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, चाहे किसी का शॉर्टेज है, कोई स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जो भी काम होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस केंद्र से यहाँ दी जाएगी और ये 24 आवर्स काम करेगा। सर जो यहाँ पे कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगे पानी के रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड तो कितने जल्दी वो हल हो जाएंगे? वो उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है, सुनेंडिंग इंजीनियर साहब जो होंगे जल जीवन इसके जल शक्ति डिपार्टमेंट के, ये एक मैकेनिज्म बनाएंगे कि लोगों तक पहुंचा जाए और जल्द से जल्द उसका जो हल जो होगा किया जाएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मैकेनिज्म को रखा जाएगा। सर वैसे तो ये जनवरी से ये प्रोसेस चल रहा है तो अभी काफ़ी समय लगेगा। आज ये पहले देखें, पहले ये एस्टेब्लिश ज़रूर हुआ था लेकिन फुली फंक्शनल, इसमें बिल्डिंग वगैरह तैयार करनी थी हमें, तो ये मेरे कुछ देर तक मेरे ऑफिस से ये चल रहा था, आपको पता है वहाँ 24 आवर्स मैंने कंट्रोल रूम बनाया था, वाटर रिलेटेड जो भी इशूज़ थे वो वहाँ से थे, आज हमने फॉर्मली इसको इसी ऑफिस में एस्टेब्लिश किया। सर इसके अलावा एक हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा कैंप जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या मानते हैं?